नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो छोटे से गमले में लगाने के बाद एक पेड़ की तरह दिखाई देते हैं। उन्हें ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे से ही पॉट में आप ऐसा लुक बना सकते हैं जिससे वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, जिसे आप छोटे छोटे कंटेनर में लगा कर या फिर सेरामिक पॉट में लगा कर खूबसूरत बना सकते हैं। उनके साथ आप छोटा सा डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा भी आप लुक देना चाहते हैं वैसा आप लुक दे सकते हैं। ज़्यादातर जो पेड़ की तरह दिखते हैं वो पौधे, उसमें बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, स्पेस नहीं होता, घना हो जाते हैं, तो वो प्लांट बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। जैसे कि ये मेरा प्लांट है, ये मधुकामनी का है, लेकिन ये बड़े पॉट में लगा हुआ है। जो पहला पौधा है वो है मधुकामिनी का। आप देखिए, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाया है इसको। और देखिए जिस तरीके से ये तना इसका मोटा होता है ना, ऊपर से इसकी पत्तियाँ जो है छोटी छोटी सी निकलती हैं, तो बिल्कुल एक ये छोटी सी पेड़ की तरह नज़र आता है। तो आप इसको छोटे से पॉट में लगा सकते हैं, और नीचे से जैसे इसका ये तना है ना, आप यहाँ से इसकी पत्तियों को हटाते जाइए और तो ये ऊपर घना होता चला जाएगा। ये बड़े वाला मधुकामिनी है, इसमें वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत से फूल आते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो आप ऊपर से इसकी जो है कटिंग करते रहिए, तो इसका तना मोटा हो जाएगा और ये बहुत सुंदर दिखेगा। ये देखिए, ये बड़ा वाला मधुकामिनी है, अगर इसको आप बड़े पॉट में लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है। देखिए इसका तना, देखिए आप कितना मजबूत तना हो गया है। तो इस तरीके का जब ये प्लांट ग्रो होता है तो बिल्कुल पेड़ की तरह दिखाई देने लगता है। दूसरा पौधा है अडेनियम का। अडेनियम की खूबसूरती तो देखते ही बनती है दोस्तों। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। जितना ये सुंदर होता है उतना ही ये प्लांट बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो थोड़ी सी इसकी केयर करने की ज़रूरत होती है। जब आप इसको छोटे पॉट में लगा देते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसकी जो ब्यूटी होती है वो इसके कॉटेक्स से होती है, यहाँ से होती है, और ये बिल्कुल पेड़ की तरह नज़र आता है। बहुत छोटा सा लगता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट होता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फूल भी आते हैं। जब आप इस अडेनियम के प्लांट को लगाते हैं तो हमेशा छोटे पॉट की ज़रूरत होती है। छोटे ही पॉट में आप इसको लगाइए, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। हमेशा जब भी आप इस प्लांट को लगाते हैं तो ओवर वाटरिंग से बचें। इसका ऐसा कॉटेक्स होता है, और जो ये स्टेम होता है ना, और इसकी इस तरीके से ब्रांचेस निकलती हैं, तो ये बिल्कुल छोटे से पेड़ की तरह नज़र आता है। तो इसे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और पौधों के मुकाबले जो बॉन्साई होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी पत्तियां जो होती हैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो इसका ये ब्रांचेस होती है ना, थोड़ी सी थिक होती है, जिससे ये एक छोटा सा पेड़ दिखने लगता है कुछ इस तरीके से। इस प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो आप हमेशा इस प्लांट को फंगस से बचा कर रखें। इसके बाद है दोस्तों क्लांचो का। क्लांचो का पौधा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, इसे भी आप एज ए ट्री लगा सकते हैं। वैसे तो ये सर्दियों का पौधा होता है, इसमें लाल रंग के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से फूल आते हैं, लेकिन गर्मियों में भी ये पौधा ख़राब नहीं होता। अगर आप इसको गर्मियों में कम से कम पानी देंगे तो ये आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा, और आप इसको गर्मियों में एक छोटे से पेड़ की तरह छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियाँ ऐसे निकलती हैं जैसे एक छोटा सा फूल होता है, बस वैसे ही निकलती हैं। ग्रीन कलर की इसकी पत्तियां होती हैं और साइड में आप देखिए रेड कलर का बॉर्डर होता है। तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, ज़रूर छोटे से पॉट में लगाइए। ये देखिए इसका स्टेम कुछ इस तरीके से होता है, जो कि पेड़ की तरह नज़र आता है। इस प्लांट को आप छाया में ना रखें, हमेशा धूप में ही रखें, क्योंकि ये प्लांट सुकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर आप इसको छाया में रखेंगे तो ये प्लांट गल जाएगा। छाया में भी एक बार ये प्लांट चल जाएंगे, बस आप ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा पानी ना दें। इसमें भी छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलती हैं जो मोटी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है फाइकस का। फाइकस को भी आप एज अ ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा होता है, छोटे से कंटेनर में भी ग्रो हो जाता है। अगर ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये
ज़्यादा बड़ा ट्री बनेगा, लेकिन अगर छोटे पॉट में लगाएंगे तो छोटा सा पेड़ बनकर ही तैयार हो जाएगा। इस तरह का इसका जो स्टेम होता है वो तो हार्ड हो जाता है, और जिसमें जिस बाद में इस पर छोटी छोटी सी देखिए इस तरीके से ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा खाद पानी की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसको भी एज अ ट्री अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। जब फाइकस बहुत अच्छा ग्रो करने लगता है तो इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे से फूल आते हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं और वाइट कलर का देखिए इसमें फूल खिलता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, यह है सफरेला का प्लांट। ये एक अम्ब्रेला की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसीलिए इसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। इसमें एक वेराइटी और आती है जो पूरी ग्रीन कलर की होती है, लेकिन इसमें पत्तियों का वेरिएशन है तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। इसे भी आप एज अ ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका स्टेम जो होता है कितना मजबूत हो जाता है। इसका स्टेम जैसे ही हार्डी होता जाता है और आप ऊपर से इसको प्रून करते जाएंगे तो इसकी पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाएगा और ये पेड़ की तरह ही दिखने लगता है। ये एक इंडोर प्लांट होता है, आप हमेशा इसको जब भी रखेंगे छाया वाली जगह में इसको प्लेस कर रही है, ज़्यादा तेज़ धूप इसको बर्दाश्त नहीं होती है, ज़्यादा तेज़ धूप में ये प्लांट जो है ख़राब हो जाता है, इसकी पत्तियां जो है जलना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद है डिफनवेलिया का प्लांट, इसे डमकेन के प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत होती हैं, इसे भी आप एज अ ट्री लगा सकते हैं। देखिए इसके नीचे से स्टेम देखिए कितना हार्डी और मजबूत होता है, तो आप इसको अगर आप छोटे से पॉट में इसे लगा लेते हैं ना एक सिंगल को, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे जैसे ये ग्रोथ करता है और इसकी पत्तियाँ सूख जाती है, तो यहाँ से इसकी पत्तियों को आप हटाते रहिए, और ऊपर से जब इसकी पत्तियाँ इस तरीके से दिखती हैं तो एक सुंदर पेड़ नज़र आता है। अब जैसे कि आप इसी को ही देख लीजिए, मैंने ये सिंगल इसमें लगाया हुआ है तो लग रहा है ना बिल्कुल पेड़ की तरह, तो इस तरीके से आप इस प्लांट को भी ज़रूर लगाइए। इसी छोटे पॉट में लगाते हैं ना तो स्लो ग्रोथ होती है, तो उसकी वजह से इसकी पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, तो उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। इस प्लांट को भी आप छाया में रखें, इसे धूप में ना रखें। इसके बाद है दोस्तों कोचिया का प्लांट। कोचिया के प्लांट को भी आप एज ए ट्री लगा सकते हैं, बहुत छोटा सा पेड़ इसका बन जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना बहुत बारीक बारीक सी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। इसका स्टेम नीचे से बहुत हार्डी हो जाता है और इसकी जो ये ब्रांचेस है ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, जिससे ये एक पेड़ की तरह नज़र आता है। कोचिया का प्लांट एक सीजनेबल प्लांट होता है, ये गर्मियों वाला पौधा है, सर्दी में जो होता है ये प्लांट सर्वाइव नहीं करता है, सर्दी में ये प्लांट ख़त्म हो जाता है, तो इसे भी आप छोटे से पॉट में एज ए ट्री लगा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ड्रेसिना। ड्रेसिना को भी आप एज ए ट्री लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है ये पौधा। ये पिंक कलर की इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसकी पत्तियों से इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा निखर कर आती है। छोटी सी पॉट में लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है, तो इस तरीके से आप इसको भी एज ए ट्री लगाएं। इसके बाद है ये पौधा, इसे नीडल लीफ प्लांट और ड्रैगन ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत होता है, इसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, तो देखिए आप इस तरीके से इसको भी एज ए ट्री ग्रो करिए। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है जेड प्लांट। देखिए कितना सुंदर दिखता है, ये भी आप एज ए ट्री लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, इसे भी आप छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। देखिए इसका स्टेम जो होता है कितना हार्डी हो जाता है, और इसकी छोटी छोटी सी पत्तियाँ जो होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट होता है, आप इसको ज़रूर लगाइए। और पूरी धूप में ग्रो होने वाला प्लांट है, आप इसको शेड एरिया में बिल्कुल भी मत रखिएगा। इस प्लांट को भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट प्लांट है टेबल कामिनी का। ये एक इंडोर प्लांट है, आप इसको घर के अंदर लगा सकते हैं। ये भी एक पेड़ की ही तरह नज़र आता है। अगर आप इसके नीचे से ये देखिए ब्रांचेस कट कर देते हैं ना, ऊपर का पोर्शन छोड़ देते हैं, तो ये एज अ ट्री लगता है। बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस और बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी पत्तियों वाला पौधा है। ये सेरेमिक पॉट में लगा है। अगर कोई भी प्लांट सेरेमिक पॉट में लगा होता है तो उसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेरेमिक पॉट में पानी
बहुत तेजी से सूखता है। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों वो है क्रेसुला का। क्रेसुला का भी प्लांट आप एक छोटे से पॉट में एज अ ट्री लगा सकते हो, इसे भी ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इसका स्टेम पेड़ की ही तरह मोटा होता है लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है, इतना हार्डी नहीं होता है। इसकी पत्तियाँ बहुत गुदगुदी और मोटी होती हैं। इस पौधे को भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी पत्तियों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है। तो जब भी आप इस प्लांट को लगाएं तो कम से कम पानी दें, तभी ये प्लांट आपके गार्डन में बहुत अच्छे से चलेगा। इस प्लांट को कुबेर का प्लांट भी कहा जाता है और इसे घर में लगाना अत्यंत शुभ होता है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो अपने घर में आप इसे ज़रूर लगाइए क्योंकि लगने में भी सुंदर दिखता है और घर के लिए भी